हे गाइस, मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का द इंडियन एक्सप्लोरर में। और आज मैं लेकर आई हूँ एक सोफा कवर का रिव्यू। लेकिन उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल पे एवरी वेडनेसडे अमेजोन के प्रोडक्ट का रिव्यू लाने वाली, और वो रिव्यू होगा आपके पसंद से, जो भी आप सजेस्ट करोगे। जिस भी प्रोडक्ट का आपको रिव्यू चाहिए, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक है, आप हम मुझे मैसेज करो, मैं उस प्रोडक्ट को लाके और आपके लिए रिव्यू करूँगी। और ये रिव्यू आएगा एवरी वेडनेसडे 11 AM। तो आज मैं लेकर आई हूँ सोफ़ा कवर का रिव्यू, जो आप फिगर में देख रहे हो। ये सोफ़ा कवर है, ये इस तरह का है, और इसके साथ क्या क्या दिया जाता है मैं आपको बताने वाली हूँ। एक्चुअली मेरे घर में एक इस टाइप का सोफ़ा है, और इसके लिए मुझे कवर की तलाश थी। तो यहाँ पे अमेजोन में था, जैसे कि 1 सीटर 2 सीटर और इस तरह से कई सारे थे, तो मैंने ऑर्डर किया। पहले मैंने 3 सीटर ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे देखना था कि ये 3 सीटर मेरे सोफ़ा पे सेट करता है या नहीं। तो मैंने 3 सीटर पहले ऑर्डर किया, और मैं बताती हूँ, वो आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह से काम किया। ये जो सोफ़ा कवर है वो इस तरह से है, इसके साथ ये तो कुशन कवर भी दिया गया है इस तरह का। ये इसमें जिप है लगा हुआ, ये साइड में पूरा जिप है एक, और बहुत ही अच्छे से ये ओपन होता है, मतलब कहीं फंसता नहीं। इसके बाद इसमें इस तरह के कुछ ये दिया। अब इसका यूज़ मैं आपको बताऊंगी। इसको साइड में टक करने को दिया जाता है, जिससे कि सोफ़ा एक सेप ले लेता है अगर इसको आप यूज़ करते हैं। और ये वो थर्मोकॉल का है, आप इससे देख सकते हैं, वो काफ़ी हल्का सा है। ये ऐसा दिया गया है, ये कितना दिया गया है, ये 4 10 पीस, ये 10 दिया गया है टक करने के लिए। मैं यूज़ करके बताऊंगी आपको कि इसका क्या है। और उसके बाद है ये सोफ़ा कवर, तो ये इस तरह से एक है सिंगल। ये 3 सीटर सोफ़ा कवर है, क्योंकि मुझे एक से काम नहीं चलेगा, तो सोचा था पहले एक लाऊं, अगर पसंद आएगा तो 1 सीटर और 2 सीटर और लाऊंगी, तो मैंने ये लाया था। तो ये कुछ इस तरह से है, ये साइड में इस तरह से इलास्टिक है, और इसमें ये डोरियाँ दी गई हैं बांधने के लिए, ये कुछ इस तरह से है। अभी मैं इसको लगा के बताती हूँ, और इसको कैसे टक करते हैं ये भी मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। इस तरह से था। अब मैं आपको इसका रिव्यू बताती हूँ। ये काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है बिल्कुल, और स्किन फ्रेंडली है, बैठने के बाद बिल्कुल बिगड़ता नहीं है। ये काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद आया। बट ये मेरे सोफ़ा के लिए नहीं है, जो आप मेरा सोफ़ा देख रहे हो ये कुछ बड़ा सा है, और इसे मैं लगा दे रही हूँ तो फिर मुझे 3 मंगवाना होगा। उसके बाद इसका जो कुशन कवर है वो भी इससे मैच नहीं है। ओवरऑल मुझे मेरे सोफ़ा के लिए पसंद नहीं आया, और इस सोफ़ा के लिए अच्छा नहीं लगा। बट ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, अगर आपके घर में कुछ इस टाइप के सोफ़ा है, क्योंकि ये इन सोफ़ा के लिए बना है, ये एल शेप सोफ़ा और इसके लिए नहीं बना है। मेरे सोफ़ा के लिए ये अच्छा नहीं था, तो मैंने बस एक ही मंगवाया, और मेरे पास पड़े हुए हैं, इसका कुछ यूज़ भी नहीं कर सकती। लेकिन ये इस सोफ़ा के लिए नहीं है, और अगर आपका सोफ़ा कुछ इस टाइप का है तो मैं तो कहूँगी एक नहीं बल्कि आप 2-3 मंगवा के रख सकते हो। जब वॉश करना है दूसरा डाल दो, और बिल्कुल घर को एक नया लुक मिल जाता है। छोटा कुशन इसके साथ दिया गया है, तो अगर आपका छोटा कुशन हो और इस तरह का सोफ़ा हो, तो आप इसको जरूर से जरूर परचेज कीजिए। अगर परचेज करना चाहते हो तो बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसका प्राइस 1799 मुझे पड़ा, ऑफ़र के टाइम में मैंने लिया था, बट अभी अप डाउन होते रहता है, 1899 के आसपास में ये आपको मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा है, यू कैन गो फॉर इट। बट अगर आपका एल शेप सोफ़ा है तो उसके लिए ये नहीं। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रहा होगा। और अगला रिव्यू आपको किस प्रोडक्ट का चाहिए, इंस्टाग्राम में आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना,
और वो प्रोडक्ट लाके मैं उसका रिव्यू करूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय भारत।